मतलब आप सारे व्लॉग्स देखते हो मेरे? बिल्कुल। कोई भी मिस तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं, मेरे को नींद ही नहीं आती जब तक व्लॉग नहीं देखते। कल आप कभी देखा, आपने मेरा व्लॉग देखा है कभी? कोई वीडियो देखा है मेरा? देखा, थोड़ा थोड़ा देखा, लेकिन ज्यादा नहीं देखा। मतलब सीधे ही पकड़े गए अंकल, थोड़ा देखा है ज्यादा नहीं देखा। मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह का दिन है और जो भी टाइम हो रहा है, मेरे एक्सरसाइज का टाइम अभी टाइम है उसमें, मतलब अभी और एक डेढ़ घंटा है जाने में। अभी मैं अपनी कॉफी पीऊंगी और यहाँ पे मेरी बाबा। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बता दूँ, हट तो जाओ, कैंडी इज मच मच बेटर, शी हैज रियली इम्प्रूव। जितनी ये साइलेंट हो गई थी ना, अब ये उतना ही खेलने लग गई है, प्यार करने लग गई है, गोदियां मांग रही है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके आ रही है। मतलब इस पे एक्चुअली बहुत जोर लगाना पड़ा इस चीज के लिए, लेकिन ये करने लग गई है। माई कैंडू बैक इन एक्शन, चुंचा के साथ खेलती भी है, यू नो, बोलती है कि ऐसे ऐसे करके कि मेरे को गोदी मिले, तो ये सब कर रही है कैंडी, विच इज वेरी नाइस। जैसे मैंने आपको उस दिन बोला था, मैं जा नहीं पाई, लेकिन आज मैं मोनिका के घर जाऊंगी, आज मोनिका से मिलवाऊंगी, उसके पापा से मिलवाऊंगी। आप लोग उसके पापा से कभी नहीं मिले होंगे, बट आज मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊंगी। अब बना लेते हैं अपनी कॉफी। यहाँ पे कॉफी के लिए दोस्तों हमें पानी डालना है, जो कि खुल नहीं रहा है। खुल क्यों नहीं रहा है? कप सिलेक्ट कर लेते, ये वाला देती हूँ कप, वापस इसी में रख देती हूँ। जो कि मुझे लगता है कि नहीं करनी चाहिए थी, बट वो भी क्या करे यार, उसका काम आ रहा है आगे। आज आज बाबा दे दो भाई, बच्चों को इतना दे दो। कैंडू चेरी, चेरी तो अपने मूड की है। तब तक अपनी फर्स्ट सिप ऑफ कॉफी विद यू गाइस, जरा है ले, मतलब ले ले, मतलब पी ले। आजा आज, वाह वाह, चाचा तू हट यहां से, मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी है, मम्मा मेरी बहुत प्यारी प्यारी मम्मा है। आजा, हो एक दे देना मेरे को, दे देती हूँ। आजी मामा, ये मिले चेली बाबा आया। अब छाले बच्चों को मिलेगी हड्डी, हड्डी मिलेगी चारों को। ऐसी गुड़िया जैसी है नहीं, ये टेडी बेयर मेरा, मेरा टेडी बेयर इतनी खेली खेली कर रहा है आजकल, कितनी खेली खेली। ला दे। अरे अरे लेके भाग गई, अरे लेके भाग गई, अरे आधी थी ये, इतनी कैसे है? नहीं पूरी थी, कैसे आधी हो गया? कहाँ गिर, कहाँ गिरी है फिर? यहाँ पे नहीं ये। चल जी दोस्तों, मैं आ गया हूँ वर्कआउट करके, और कई दिनों बाद गया हूँ, तो फिर से देखो हाथ मेरा उठ नहीं रहा है। मैं आया हूँ और मेरी बेबी जा रही है वर्कआउट करने। मैंने बोला था इसको कि ज्यादा वर्कआउट नहीं करना। जूते तो पहन लो कम से कम, एक्सरसाइज करने जा रही हो? नहीं, वहाँ जूते अलाउड नहीं है। ये कौन सी एक्सरसाइज बिना जूतों की हो रही है? आई वॉन्ट टू कम एंड चेक। कहते हैं अंदर जूते लेके नहीं आना। अरे लेकिन अंदर जाके तो जूते पहनने होते हैं ना, वो कहाँ है जिम में? ये कौन सा जिम कर रही हो? हैं बेटा क्लिप दे दे। अरे पीछे जासूस लगाना पड़ेगा क्या? मैं जैसे कर रही हूँ मेरे बीच में आने का नहीं। और इतने से पानी से क्या होगा? ये तो मुझे कुछ शक लग रहा है भाई इस जिम पे। ये कौन सी एक्सरसाइज है दोस्तों, जहाँ दो घूंट पानी बिना जूते के जाना? दोस्तों मेरा टाइम हो रहा है वर्कआउट का, वापस आके जल्दी तैयार होके फिर आपको मिलती हूँ। जल्दी चढ़ा के वो दवाई भी खा लो, जल्दी वापस आ जाके और आती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तब तक इस आदमी को संभालो। उसको लोगों को बता दिया मगरमच्छ खा गई है वो छोटा वाला? अरे यार दिखा दो, दिखाओ। कल कैफे से नया टॉय लेके आई थी संभावना, मैंने तो देखा नहीं, कहती बेबी बहुत स्ट्रॉन्ग रबर है, बहुत स्ट्रॉन्ग रबर है, चुंचा उसको काट नहीं पाएगी, खेलेगी। ये देखो क्या किया चुंचा ने उसका, ये रहा क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल की पूंछ दिख रही है, निगल चुकी है वो। और ये इतना स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक है ना, क्या बताऊं मैं यार, इसको कोई भी चीज दो ये निगल जा रही है। प्लास्टिक खाना अच्छी बात नहीं है। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि एक महीने से ऊपर हो गया है, हमने इसको यकीन नहीं दिया। यकी इसके दांतों की खुजली मिटाती है, और अगर वो गलती से खा भी जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो है ही खाने की चीज। तब जाके यकी दी, ये देखो। लेकिन ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग यकी है, इसके लिए हल्की यकी मंगानी है। अब इसकी यकी बंद मत करना अमिता, बेचारी के मुंह में खुजली होती है यार चबाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और नहा के रेडी हो जाऊँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो जी मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ, अब निकल रही हूँ घर से, बेबी को बाय बाय करते हुए, क्योंकि बेबी का काम है, बेबी तो आ नहीं सकता है। कुछ बोलेंगे बेबी? नहीं, मेरा मोनिका को हेलो बोलना, अंकल जी को मेरा नमस्ते बोलना, वो मैं बोल दूंगी और मैं चली। ठीक है बेबी, फिर मैं शाम तक आती हूँ, मैं देखूंगी अगर इन केस अगर वहां से फिर मैं मॉल भी चली गई। शाम तक कैसे होगी? कल शाम तक बोलो ना। नहीं वहीं तक जाके और फिर मैं आ रही हूँ, मिलती हूँ दोस्तों आपको रास्ते में। जी मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ मोनिका के घर, बस आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा और आगे और मैं
पहुंच जाऊंगी आज उनके प्यारे प्यारे टॉफी से और स्मार्टी से दोनों से मिलवाऊंगी। बहुत क्यूट डॉग्स है उसके और पूरी अपनी जर्नी बताऊंगी उन डॉग्स के साथ मेरी। कैसे हो? बताओ। अरे का सपना आज पूरा हो गया। अंकल कैसे हो? अंकल कैसे हो आप? हेलो हेलो कैसे? अरे पहले मैं बैठ जाऊं। बाबा किधर है ये किधर है ये गंदे बच्चे किधर से आए? हाय कपड़े वपड़े पहनने शुरू कर दिए इन्होंने। हैं ठंड है क्या? बाबा हाय हाय शांति पे जाना मुझे। इतने आ इसने मुझसे सीखा है मेरा मुंह चाटना ना। गंदे तो जी मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या नाम है आपका? उषा खन्ना। उषा जी है हमारे साथ और ये हमारे ब्लॉग्स बहुत देखती हैं। इधर आओ ना आप पास में आओ दूर क्यों खड़े हो। और मैं बता दूं ये वाकई मेरे ब्लॉग्स बहुत देखती हैं और एक एक ब्लॉग है जो कोई भी मिस नहीं करती। ये तो मुझे मोनिका ने बताया हार्डकोर फैन है। है मतलब आप सारे ब्लॉग्स देखते हो मेरे? बिल्कुल। कोई भी मिस तो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मेरे को नींद ही नहीं आती जब तक ब्लॉग नहीं देखते। नींद ये दो दिन पहले इतनी इनकी तबीयत खराब थी। हाँ। तो मैंने इनको बोला सो जा बट हाँ मेरी तबीयत बहुत खराब है जाके लेट गई। हाँ। रात को मुझे प्यास लगी मैं पानी लेने लिए उठी। हाँ। तो संभावना की आवाज आ रही है। देखा आप क्या संभावना का ब्लॉग देख रहे? बोले हाँ। मैंने कहा सो जाओ तबीयत खराब है। नहीं बोले मुझे नींद ही नहीं आएगी मैं जब तक उनका ब्लॉग नहीं देखती हूँ मुझे नींद नहीं आती। अंकल आप कभी देखा आपने मेरा व्लॉग देखा है? कभी कोई वीडियो देखा है मेरा? देखा थोड़ा थोड़ा देखा लेकिन ज्यादा नहीं देखा। मतलब सीधा ही पकड़े गए अंकल थोड़ा देखा है ज्यादा नहीं देखा। हाँ मतलब कि वही बोल देता हूँ। अच्छा बताना अंकल वो सब मेरे व्लॉग में क्या होता है जरा बताओ। अंकल को कुछ नहीं पता अभी पकड़े गए। हाँ जी अंकल मेरे व्लॉग में क्या होता है? क्या करती है? जो हर रोज करती है वही बात नहीं डाला। नहीं वो ये तो सच बोले हैं जो मैं मेरी रोज की हरकतें होती है वही कर रही होती हूँ। लेकिन अंकल आज मैंने आज सबको बोला था मैं अंकल से मिलवाऊंगी और आप कितने मस्त इंसान हो ना मेरे को वो सबको बताना था क्योंकि मेरे ख्याल से लोग हमारे सब्सक्राइबर्स आप लोगों से आपसे कभी अंकल से कभी नहीं मिले ना इंटरव्यूज वगैरह में कभी नहीं आए अंकल मेरे ख्याल से मीडिया वगैरह से हमेशा ही दूर रहे हैं। लेकिन ये आ गए मेरे ब्लॉग में और मैं आपको बता दूं अंकल जो है मेरे पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे। पापा की और अंकल की बहुत दोस्ती थी। आई थिंक लास्ट जो पिक्चर भी है घर की बर्थडे साथ में मनाया था पापा अंकल और आई थिंक हम चारों की फोटो साथ में ही है। आंटी भी थी तब है ना। सब की फोटो है अगर मेरे को मिली तो मैं आपसे शेयर करूंगी। और अंकल की लास्ट मुलाकात थी वो कितने साल? कोविड से पहले चार साल हो गए ना। चार साल पहले की बात है। क्या वो आंटी बहुत ध्यान से देख रही है? क्या बात है? हाँ जिसको भगवान मिल जाए तो वो भगवान। हाय आंटी ऐसे ना करो ऐसे। हाय मेरे को ना ऐसे नहीं बोला। कितनी बड़ी बहन हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसे नहीं बोलो ऐसे। मेरे को रोटी नहीं हजम होती नींद नहीं आती जब तक मैं देखूंगी नहीं। साथ में ले जाओ। मैं तो ले जाती मेरी अमिता जो है ना। हाँ। क्या करूं मेरी अमिता मेरा बहुत वो करती है जैसे आप इधर प्यार करते हो ना मेरी अमिता मुझे बहुत प्यार करती है। तो ये देखो अभी धीरे धीरे मैं आपसे आपको टॉफी से मिलवाती हूँ और स्मार्टी से आराम से मिलाती हूँ। जरा मैं ब्रेक ले लूँ थोड़ा कॉफी वगैरह पी लूँ और फिर वापस आती हूँ। ये पिज्जा पूरा का पूरा मैं खाने वाली हूँ वो भी मेरे को बहुत बढ़िया सा लग रहा है। कुछ आओ भगत तो जी हो रही है। प्लेटें भी गुड अर्थ की है। देखो प्लेटों से ही समझ में आ जाता है कि आओ भगत में कोई कमी नहीं है। नहीं लेकिन पापा बताओ मैं कितना अच्छा खाना बनाने लगी इसको यकीन नहीं होता। अंकल अच्छा बनाती खाना आप गई है। ये तो देखो प्यार है माँ बाप का। अब तू बता सच क्योंकि मैंने इसके हाथ का किसी रियलिटी शो में कभी कितने दो दो रियलिटी शो साथ में करिए कभी खाना नहीं कोई इसको रोटी नहीं बनानी आती। तब मैं बच्ची थी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आंटी मैं खाना अच्छा नहीं बनाने लग गई हूँ। आंटी खाना अच्छा बनाती है। पास्ता बहुत अच्छा बनाया। पास्ता अच्छा बनाती है। आपकी कड़ी चावल कड़ी बनाती है ये? नहीं दीदी ने। अच्छा मैं मेरे कड़ी चावल मैं तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर ही लेती हूँ आंटी। मैं मेरा तो जब आप अविनाश जी को ऑमलेट बनाना सिखा रहे थे ना तो मैंने कहा पति वरता था मतलब पता की होता है पति नु वरता ऐसा नहीं वरता कि कितना वरता। मतलब जितने भी टाइम से बैठे हुए ना हम लोग बातें कर रहे हैं मैं सिर्फ पंजाबी सुन रही हूँ तो मेरे को ऐसा लग रहा है पापा के पास ही बैठ के कुछ पंजाबी पंजाब दिया गल्ला। चलो जी मोनिका के किचन में चलते हैं। कितने आ मशीन अरे वाह अच्छी ये सेम नहीं है लेकिन मतलब काम तो वही करेगी। कैप्सूल किधर है? ओहो कप कितों लिए मोनिका जी कहाँ से लिए? मैं भी लूंगी मेरे को नहीं पता। लक्ष्मी बड़े लोग बड़ी बातें दे दे अब मुझे। चल ठीक है यार अच्छा लग गया मुझे तो दे दे। ये मेरे को पता है बोलेगी कभी नहीं बोलेगी। ये चाहती है मैं लेके जाऊँ। ये चाहती है मैं लेके चली जाऊँ।
दे दे कोई बात नहीं है, छोटी बात होती है, ऑन कैमरा बोल दिया भाई, कपी तो है और क्या, छोटी सी चीज है, दे दे मेरे को, ले ले, कैमरा बंद होने के बाद मारेगी मुझे। अंकल नु चाहिदी पंजाबी कॉफी खंड, खंड दे विच बनाई हुई, खंड दे विच, हाँ पापा दूध ते खंड च बनाई हुई कॉफी। अंकल किदा बनानी है कॉफी? मेरी कॉफी लेके जरा बैठूंगी, अब अंकल के पास ही बैठते हैं। हाँ जी अंकल, मैं ब्लैक कॉफी पीती हूँ। बाहर देखिए जरा क्या हाल चाल है, मौसम तो अच्छा ही हो रहा है अंकल। हाँ ये देखो, एक्चुअली जितना हाइट पे आप होते हो ना उतना ही अच्छा लगता है, मजा आता है दूर तक देखने में। और ये एटलीस्ट मतलब मेरे से बिल्कुल डबल फ्लोर्स पे है, मतलब आप समझ लो खुद ही हमारे जितना फ्लोर है उससे डबल है ये। हाँ जी हाँ जी, अंकल बड़े सीधे हैं। लेकिन आयुष्मान्तू आए मैं बच्चा, ये स्मार्टी मेरे घर पे इतना रहा है, मैं आप लोगों को, ये तो ये मेरे घर पे कभी नहीं रहा, लेकिन स्मार्टी मेरे घर पे बहुत, हाँ स्मार्टी मेरे घर पे इतना रहा है ना। चेरी और स्मार्टी एक्चुअली सेम एज के हैं ऑलमोस्ट, और स्मार्टी आया था इसी के कारण चेरी आई थी घर में, मतलब इसी को देख के फिर मैं चेरी लेके आई थी, हम दोनों ही लेके आए थे। और जैसे ही मोनिका ने चेरी के अंदर हाथ डाले बालों में, तो छोटी सी थी चेरी, मोनिका कहती है सैम कुछ गड़बड़ है, अभी भी टाइम है, अभी टाइम हुआ नहीं है ज्यादा, एक ही दिन हुआ है, वापस कर देते हैं, नकली है। मैंने कहा हो गया मुझे प्यार इससे, अब मैं क्या करूं, पर पहले दिन से पता था नकली कुत्ता है मेरा, लेकिन क्या करते यार, बहुत ही प्यारी है। टॉफी, इसका नाम टॉफी है, ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, ये भी बहुत प्यार करता है, लेकिन स्मार्टी को मुझसे एक अलग लगाव है, क्योंकि मेरे घर पे एक्चुअली मोनिका जैसे शोज वगैरह के लिए चली आती थी, बहुत बार ऐसे होता था कि आपके हाउस हेल्प नहीं है, कोई नहीं है घर पे, और आपके पास कहाँ रखूं मैं बच्चे को, तो मैं कहती थी मेरे पास छोड़ जाए, मेरे पास कोई काम नहीं है। चेरी और स्मार्टी खेलते रहते थे, कोको भी था तब तो काफी यंग था ना कोको भी, तो ये बच्चे सारे आपस में बहुत खेलते रहते थे। टाइम चेंजेस, टाइम फ्लाइज। स्मार्टू आजो अंत के पास, आजो आजो एथिया। ये मोनिका ने कस्टर्ड बनाया है अपने हाथ से, जो कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा। अंकल इसने बनाया है, मोनिका ने बनाया है, मेरे को अभी भी यकीन से बाहर की बात है कि इतना सुंदर सा क्या है। मोनू तूने सच्ची में बनाया है? मेरे को कुछ दाल में काला लग रहा है, ये तूने बनाया है? पक्का बोल, दोबारा पूछ रही हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा। नहीं तेरी मेरे को यकीन नहीं हो रहा, खा के बता कैसा। सूर्य जी खा के बताती हूँ, वैसे मैं बहुत ज्यादा कस्टर्ड की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मैं तेरे लिए खा के बताती हूँ। अंकल डालूँ आपके लिए? बताओ। दो करछियाँ हेलो मोनू, क्या डाला हुआ है? जेली डाला हुआ है पर मेरे को पता नहीं है, मतलब क्या टेस्ट करता है। मैंने कभी कस्टर्ड एक्चुअली मैंने कभी नहीं खाया कस्टर्ड और खीर, ये दो चीजें हैं जो मैंने पता नहीं क्यों कभी नहीं खाई और ना खाती हूँ, लेकिन मैं तेरे कारण खा रही हूँ कि तूने बनाया है। तो जी ये खा लेते हैं, जरा टेस्ट कर लेते हैं कस्टर्ड ना। मोनू भाई तू तो आगे निकल गई बहुत। मैं खाती नहीं दोबारा, बहुत ही बढ़िया है, डालो तेलिए मोनिका, वाकई बहुत अच्छा है। जी मैं मोनू के बेडरूम में हूँ, अपना वार्डरोब छुपाते हुए मोनू यहाँ पे इसका देख सकते हो, ये देखो एकदम सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स इसने लगाई हुई हैं, ये अभी अभी चेंज किया ना तूने, लव है सुंदर तो देख तू है, तो मान ले आई लव हर बेडरूम। और यहाँ पे मैं थोड़ा जाने से पहले थोड़ा दो मिनट मैंने कहा बात कर लूँ, बातें कर लूँ और मोनू अच्छा। के साथ, हाँ यही तुझे क्या लगा मैं वहीं पे बात कर रही हूँ, मैं तेरे से भी कर रही हूँ, तो मैं यहाँ से अब अलविदा ले रही हूँ, अंकल से मिल लेती हूँ, बाय बाय कर लेती हूँ। चिड़िया की आवाज आई है, एक मोनिका के लिए छोटा सा गिफ्ट लाई थी जो मैं दिखा नहीं सकती, नहीं दिखा रही हूँ। अंकल मैं निकल रही हूँ, मैं जा रही हूँ अंकल, मेरे को ट्रैफिक मिलेगा फिर बहुत ज्यादा। हाँ जी बाय बाय अंकल। ओके थैंक यू, आप ध्यान रखो ना। जरूर आपको मिलते हैं अंकल, आप जल्दी आ रहे वाले हो? कितने अभी नहीं, अब कल चल जाएंगे। तो ठीक है अंकल, जल्दी मिलते हैं फिर, ठीक है। साल आया करूंगा। हाँ वो तो मुझे पता है, वो तो वैसे ही मुलाकात होती है। चलिए बाय बाय, आपको भी बाय बाय। अच्छा तो ये जो कस्टर्ड है ये मोनू ने अविनाश के लिए भेजा है, अविनाश खाएगा। आई रियली लाइक द कस्टर्ड, तीन बार खा गई मैं। चलो बाय, आई थिंक मैं व्लॉग भी यही एंड कर देती हूँ। एक सेकेंड, मैं जा रही हूँ घर, अब मैं नहीं कर सकती इससे ज्यादा व्लॉगिंग, आपको मिलूंगी, अविनाश कट है आज के व्लॉगिंग में, आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले आप ये जरूर बताइए, पता नहीं क्या क्या बोलती आ रही हूँ, आप लोग ये जरूर बताइए
बताइए कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा अंकल के साथ, हमारे प्यारे अंकल के साथ, मोनू के साथ और हमारे प्यारे स्मार्टी टॉफी। ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज संभावना से एंटरटेनमेंट। मा, मा, मा।